बाइसेप्स का साइज बताओ भाई गैस करके, फिर मैं नाप का बताऊंगा। राम राम भाई सारा ने। अगर आपको ये बॉल चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा वर्कआउट कैसे करूंगा। रात को सोया था 3 बजे, जवाब दे गया कि अगर आपको क्वाड मसल और हेल्दी नहीं चाहिए, स्टेप इस तरीके से ये पीछे नहीं लेके जाना, स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से। और अभी यार तेरी कसम नींद नहीं इतनी ज्यादा आ रही है, आँख खुली है और टाइम दिखाई है मेरे ऊपर, और ये संडे का दिन है, 12 बजने वाले हैं अप्रोक्स, जिम खाली मतलब सिर्फ खुलती है तो, और अभी तक अंदर से आलस नहीं टूट रहा है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा वर्कआउट कैसे करूंगा। रात को सोया था 3 बजे, चलो वर्कआउट करते हैं। राम राम भाई सारा ने, सुस्ती तोड़कर ने, ये आपका भाई आ गया वर्कआउट करने दिया। और संडे का दिन है भाई, सारी जिम बिखरी पड़ी है आप देख सकते हो, और फिर खाली टाइम 12 बजने वाले हो रहे हैं तो वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट के अंदर आज लूंगा मिक्स वर्कआउट, लिटिल बिट थाई, काफी दिन से छोड़ रखी थी भाई, थाई के साथ साथ सारी जिम फैली पड़ी है तो थोड़ा बाइसेप्स लेंगे एंड कॉर मसल को ट्रेन करेंगे। तो चलो भाई मिलते हैं वर्कआउट में, पहले लेंगे फ्री स्क्वाट्स। तो फ्री स्क्वाट्स की शुरुआत कर देते हैं, जवाब दे गया थी। और मैं आपको हमेशा कहूंगा बिना वार्म अप के आप स्टार्ट कभी ना करें वर्कआउट, वार्म अप इज मस्ट अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग वर्कआउट अगर करना है और अच्छे लंबे समय तक, वरना इंजरी बहुत जल्दी होगी। तो पहले वार्म अप के लिए हम फ्री वेट स्क्वाट, इसके 4 सेट लूंगा और उसके बाद में फिर वर्कआउट जैसे भी करते हैं अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो भाई ऐसा है, फर्स्ट वर्कआउट लेते हैं मशीन स्क्वाट, तो हैक मशीन स्क्वाट लेते हैं। पहला सेट 10-12 रेपिटेशन एंड वर्कआउट इज वेरी गुड फॉर योर थाई। तो ये लिया पहला सेट और एक और लेते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक सेकेंड वर्कआउट, थाई का सेकेंड वर्कआउट ले रहे हैं। तो आज सिर्फ 3 वर्कआउट लूंगा मैं, सेकेंड वर्कआउट हम एक्सटेंशन करते हैं। सो दिस इज द, बहुत बहुत बढ़िया वर्कआउट है, अगर आपको क्वाड मसल और हेल्दी नहीं चाहिए तो दिस वर्कआउट इज वेरी गुड। और वही मैं इसके 12 रेपिटेशन और उसके बाद जो नेक्स्ट लूंगा उसके 10 और फिर लास्ट वन फिर 10। तो इस वर्कआउट को जरूर अप्लाई करें आप, और अभी आर्म्स का वर्कआउट भी लेंगे और कार्डियो भी लेंगे तो दिखाते हैं आपको। सो भाई अब आ गई है बात बाइसेप्स की, क्योंकि जो वर्कआउट अभी मैंने मिक्स करा ना उसमें जो मजा आया ना भाई वो थार तक के बताऊं मैं। 2-3-4-5, इसमें भी मैं 2 वेरिएशन करूंगा देखना आप। 6 यहां लाना है, स्क्वीज टाइट होल्ड स्लोली डाउन। 7-8-9 और अब करेंगे हम इसको चेंज जो और ज्यादा इफेक्टिव है। चेस्ट अप इस तरीके से, ये पीछे नहीं लेके जाना, स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से। और अभी 1-2 अभी सामने से, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20। तो भाई 20 अल्टरनेट में और 10 वैसे करें तो टोटल 30 रैप्स, 30 एक हाथ से हो गए तकरीबन 15 रैप। तो बाइसेप्स के वर्कआउट के लिए अगर आपको पीक पे हिट करना है, अगर आपको ये बॉल चाहिए बहुत ही, देखो कई लोगों को जेनेटिकली गिफ्टेड होती है लेकिन अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो तो कुछ वर्कआउट पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, और ये जो वर्कआउट है इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। अल्टरनेट डंबल कर्ल, प्रीचर, कंसंट्रेशन, ये वर्कआउट द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर पीक एंड बाइसेप्स गेन, तो जरूर अप्लाई करें। एक और वर्कआउट लेंगे बाइसेप्स का, फिर एब्डोमिनल पे चलते हैं। राम राम भाई सारा ने। यार अभी कटिंग है या चलेगी दोबारा? अब करेंगे भाई हैमर। तो भाई ऐसा है भाई, सब बताओ किसा लग रहा?
हैमर। चार, और यहां लाके ऐसे और ऐसे, दोनों तरीके गलत नहीं है, लेकिन लेके स्लो जाना है। दिस इज द इफेक्टिव वे। अगर आप स्पीड तक करोगे तो कोई फायदा नहीं भाई, जितना स्लो डाउन। नेगेटिव मूवमेंट हमेशा स्लो भाई। बाइसेप्स का साइज बताओ भाई गैस करके, फिर मैं नाप का बताऊंगा। तो ऐसे वर्कआउट लेना है आपको, पोज करते रहे एग्रो बीच बीच में। थैंक यू। और एब्स लेंगे, आज का दिन करेंगे एंड। दिन है 79, 79 डे, खत्म। चलो भाई, तो हो गया वर्कआउट, पैर लिए लत्ते। ओम श्री हनुमंते नमः, जय श्री राम। अब चलो घर की कैन।